नमस्कार दोस्तों, आज हमने आप सभी लोगों से कहा था कि भूचुंबकत्व के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। पिछले दिनों हम लोगों ने कुछ चीज़ों का परिभाषा देखा और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, जिसमें हमने बताया था आप सभी लोगों को चुंबकन की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रेरण व फ्लक्स घनत्व बताया गया था। और साथ ही साथ ये भी बताया गया था कि सापेक्ष चुंबकीय पारगम्यता क्या होता है, म्यू आर, और उसमें रिलेशन क्या होता है, तो उसके विषय में भी पिछले दिनों हमने बताया था आप सभी लोगों को कि म्यू आर जो होगा वो होता है 1+ चुंबकीय पारगम्यता, ठीक है, या म्यू बराबर हमने बताया था म्यू जीरो इंटू म्यू आर, या म्यू बराबर म्यू जीरो 1+ चुंबकीय पारगम्यता, ये बताया गया था, ठीक है। तो अब इसके आगे भूचुंबकत्व के विषय में हम आज आप सभी लोगों को बताएंगे। तो भूचुंबकत्व क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए चलिए, इसमें कई से ऐसे वर्ड हैं जिनको जानना आपके लिए आवश्यक है। जब ये सभी चीज़ें जान लेंगे तभी आपको भूचुंबकत्व के विषय में अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। जिसमें पहला है कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक ज्योग्राफिकल नॉर्थ, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, ठीक है, या भौगोलिक दक्षिणीय ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, भौगोलिक या म्युत्तर, भौगोलिक या हम कहें भूगोली, भूगोली या म्युत्तर, म्युत्तर, ठीक है, भौगोली या म्युत्तर, और चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, उत्तरीय ध्रुव, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, और चुंबकीय या उत्तर, चुंबकीय या उत्तर, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, ठीक है, दिक्पात कोण, डिक्लिनेशन, दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, ठीक है, डिक्लिनेशन, DECLINATO, एंड नमन कोण, और नमन कोण, नमन कोण, यानी आप पढ़ेंगे नमन कोण को एंगल ऑफ डीप या इसे ही कहा जाता है इंक्लिनेशन, और इंक्लिनेशन एंगल,
ठीक है कि नमन कोण या दिक्पात कोण, चुम्बकीय यामोत्तर या चुम्बकीय दक्षिणी ध्रुव, चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव, भौगोलीय यामोत्तर, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। चलिए इसके विषय में एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ही आपको समझ में आएगा दिक्पात कोण और नमन कोण। तो सबसे पहले भौगोलिक उत्तरी ध्रुव क्या होता है। तो जैसे आप अगर सपोज दैट हम मान लें कि कोई भी चीज़ है, यदि सपोज दैट जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी गोल है, मान लेते हैं कि ये है, ये अपने अक्ष पर ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, ये ऐसे ही घूम रहा है ठीक है। तो जब ये ऐसे ही घूम रहा है तो जहाँ पर जिस अक्ष के परितः घूम रहा है उस अक्ष पर एक ऊपर है और एक नीचे बिंदु है। तो यही जो ऊपर जैसे ये ऐसे घूम रहा है इस तरह, तो इसे कहा जाता है भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और ये नीचे वाले को कहा जाता है भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। और ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की तरफ ये घूम रहा है। अब देखिए ये ऐसे घूम रहा है और यहाँ ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, तो इसको कहते हैं भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और इसको कहते हैं भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। ये चुम्बक की भांति व्यवहार करता है पृथ्वी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जो है चुम्बक है और भौगोलिक जो चुम्बक है, तो हम लोग अंदाज़ा ये लगाते हैं, स्टार्टिंग में अंदाज़ा यही लगाया गया था कि इस पृथ्वी के अंतर्गत कोई चुम्बक है, परंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी के अंतर्गत चुम्बक नहीं है, बल्कि इसके अंतर्गत जो लौह पदार्थ है, वो पिघले हुए पदार्थ हैं, उनमें जो आवेश होते हैं वो गतिमान होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो कण हैं छोटे वो गतिमान हैं, गतिमान होने के कारण धारा प्रवाहित होता है और उस धारा प्रवाह होने के कारण चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, चुम्बकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बाद में चलकर इसे पता किया गया कि उसी की वजह से जो है चुम्बकीय क्षेत्र पृथ्वी के आसपास लगता है, जो जिसे हम लोग भू चुम्बकत्व कहते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो पृथ्वी है, तो पृथ्वी में हम देखेंगे कि जो दक्षिणी ध्रुव है, तो दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में चुम्बकीय बल रेखाएं प्रवेश करती हैं। कहाँ से निकलकर? दक्षिणी ध्रुव से निकलकर उत्तरी ध्रुव में। इसका मतलब ये है कि हम लोग इसे भले ही उत्तर, जैसे कि चुम्बक हम लोग रखते हैं, तो चुम्बक का कंपास जो सुई होता है, वो कंपास सुई उत्तरी ध्रुव में रुकता है, उत्तर की ओर रुकता है, तो उसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण की ओर रुकता है तो उसे हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव, यही कहते हैं। तो पृथ्वी का जो उत्तर का दिशा है, उधर पृथ्वी का जो चुम्बक होगा, उस चुम्बक का वो दक्षिणी ध्रुव होगा, तभी नॉर्थ साउथ को आकर्षित करेगा, अन्यथा नॉर्थ नॉर्थ को तो प्रतिकर्षित करने लगेगा ना, नॉर्थ नॉर्थ को यानी उत्तरी ध्रुव को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। और अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब ये है कि चुम्बक का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ है, तो पृथ्वी का जो चुम्बक है उसका नॉर्थ की तरफ साउथ पोल है, और साउथ की तरफ क्या है, नॉर्थ पोल है, तभी वो नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करता है, नॉर्थ में निकलकर साउथ में प्रवेश करता है। अभी हम इसको दिखाएंगे आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से, हम इसको पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर करेंगे, पहले हम लोग समझ लें फिर उस पर आएंगे। अब देखिए कि जैसे हमने कहा कि यहाँ से निकलकर और इधर आता है और इसमें प्रवेश, इसका मतलब इस पृथ्वी का जो चुम्बक होगा उसका दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर है और उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है, ठीक है। अब जो ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव ऊपर की तरफ, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव नीचे की तरफ है। अब लेकिन वास्तव में जो भू चुम्बकत्व होता है, जब कंपास नीडिंग रखा जाता है, तो वो देखा जाता है कि जो ये भू चुम्बकत्व, भू पृथ्वी का उत्तर दिशा है और दक्षिण दिशा है, इस उत्तर और दक्षिण दिशा को यदि मिला दे, लाइन खींच दें अगर, तो इसी को कहा जाता है भौगोलिक यामोत्तर दिशा, इसी को भौगोलिक यामोत्तर कहा जाता है। जब उत्तर भौगोलिक पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण दिशा को अगर मिला दें, तो इसी को कहेंगे भौगोलिक यामोत्तर। लेकिन
जब इसके जो अंतर्गत चुंबक की तरह जो व्यवहार कर रहा है उसका अगर देखेंगे तो उसका उत्तरी ध्रुव थोड़ा सा इससे जो यहाँ पर है इससे थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है। यानी जब अगर हम ये देखें कि अगर ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी अगर यहाँ से ऐसे ये रोटेट कर रही है इस अक्ष के प्रति, ऐसे अगर रोटेट कर रही है इस तरह, तो इसका मतलब ये है कि यह जो अक्ष है, जो ये अक्ष है, इसमें इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, जिसको हम एन जी से डिनोट करेंगे और ये इसको एस जी से या एस ई से, एन ई से डिनोट करें। पृथ्वी का यह है। अब वास्तव में ये जो है पृथ्वी का भू नॉर्थ पोल है और ये भू साउथ पोल है, यही हम कहेंगे पृथ्वी का साउथ पोल। परंतु जो चुंबक है, चुंबक उसको जब हम रखते हैं तो पता चलता है कि उसका जो उत्तरी ध्रुव है वो यहाँ पर है। चुंबक का उत्तरी ध्रुव यहाँ पर पता चलता है कि इसका उत्तरी ध्रुव मैग्नेटिक और इसका साउथ ध्रुव यहाँ पर है, ठीक है। साउथ ध्रुव जो है मैग्नेटिक का वो यहाँ पर है। यानी रियल में वो जो पृथ्वी का उत्तर और दक्षिण दिशा उससे थोड़ा सा हट के होता है। तो इस पृथ्वी और इस चुंबक के या उत्तर दिशाओं में जितने अंश का कोण होता है, इन अक्षों के बीच में जो ये कोण होता है, इसी को कहा जाता है दिक्पात कोण। समझ लीजिए, इसी को हम कहते हैं क्या, दिक्पात कोण कहा जाता है, दिक्पात कोण। आई बात समझ में, दिक्पात कोण क्या हुआ। अब देखिए, अब अगर जैसे हम ये कहें कि जो ये दिक्पात कोण है, यहाँ पर जो रेखा होता है इस पर अगर देखेंगे तो इस पर दिक्पात कोण मिनिमम पाया जाएगा। यहाँ पर दिक्पात जो कोण होता है वो मिनिमम होता है, यहाँ पर क्या होता है दिक्पात कोण न्यूनतम, दिक्पात कोण न्यूनतम होगा यहाँ पर न्यूनतम। और जो यहाँ पर है दिक्पात कोण यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पर मैक्सिमम होता है। यहाँ पर दिक्पात कोण जो होता है, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण वो अधिकतम होता है, ठीक है। क्या होता है अधिकतम, तो यहाँ पर अधिकतम होगा और यहाँ पर क्या होगा बीच में जो मध्य में होता है वहाँ न्यूनतम होता है। अब जरा हम समझेंगे कि जो चुंबकीय ध्रुव, इसे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहेंगे, इसको चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहेंगे, इसको चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, इसको हम क्या कहेंगे चुंबकीय यामोत्तर, चुंबकीय यामोत्तर, ठीक है, इसे चुंबकीय यामोत्तर कहा जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, तो इसको भौगोलिक यामोत्तर कहेंगे, भौगोलिक, भौगोलिक यामोत्तर, ठीक है। ये भौगोलिक यामोत्तर है, भौगोलिक उत्तरी दिशा है और ये भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है, और ये चुंबकीय उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय दक्षिण ध्रुव है, इसको चुंबकीय यामोत्तर कहेंगे। और भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच बना कोण दिक्पात कोण होता है। क्लियर है, क्या इतना बात समझ में आया, तो पहले इतना लिख लिया जाए, उसके बाद हम चलेंगे नमन कोण पे। तो लिखिए भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक लिखे चाहे भूगोलिक लिखिए, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, इसमें लिखिए पृथ्वी जिस अक्ष के चारों तरफ अपने धुरी पर घूमती है, चारों तरफ अपने धुरी पर घूमती है, तो वह धुरी, वह अक्ष भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है, भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है, तथा तथा उस अक्ष के उच्चतम बिंदु को उत्तरी ध्रुव
भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा निम्नतम बिंदु को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। 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 उच्चतम बिंदु को भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और निम्नतम बिंदु को भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। हो गया। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव तथा भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा ही भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। भौगोलिक यामोत्तर कहलाता है। लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए। वास्तव में भूचुंबकत्व का कारण पृथ्वी के अंतर्गत चुंबक का होना नहीं है। चुंबक का होना नहीं है, बल्कि पृथ्वी के अंतर्गत पिघले हुए पदार्थों के अंतर्गत आयनों के प्रवाह या गमन के कारण या उनके कणों के इलेक्ट्रॉनों के गमन के कारण जो धारा प्रवाहित होता है उस धारा के कारण भूचुंबकत्व उत्पन्न होता है। भूचुंबकत्व उत्पन्न होता है। भूचुंबकत्व उत्पन्न होता है। जिसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के दक्षिण की ओर होता है तथा दक्षिणी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर की ओर होता है। जिसके कारण पृथ्वी के भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलकर पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। जबकि हमें पता है कि किसी चुंबक के
चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। अतः भूचुम्बकत्व का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर तथा दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर है। उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है। क्लियर है? अब लाइन छोड़ दीजिए, नीचे लिखिए। वास्तव में जब कोई कंपास सुई रखा जाता है तो उसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर न रुककर थोड़ा विक्षेपित होकर रुकता है। जहां पर रुकता है उत्तरी ध्रुव उसे चुंबकीय उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तथा चुंबक का दक्षिणी ध्रुव जहां रुकता है उसे चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। हो गया? तथा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव व चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा चुंबकीय यामोत्तर कहलाता है। हो गया? अब जरा ध्यान समझिएगा कि जो भौगोलिक यामोत्तर है और जो चुंबकीय यामोत्तर है उसके बीच जो कोण है उसी को दिक्पात कोण कहते हैं। ठीक है, तो लिखिए दिक्पात कोण, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हो गया? लिखिए भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है।
दिक्पात कोण कहलाता है। भौगोलिक ध्रुवों पर दिक्पात कोण अधिकतम होता है। भौगोलिक ध्रुवों पर दिक्पात कोण अधिकतम होता है। भौगोलिक ध्रुवों पर दिक्पात कोण अधिकतम होता है। जबकि मध्य में दिक्पात कोण न्यूनतम होता है। जबकि मध्य में दिक्पात कोण न्यूनतम होता है। दिक्पात कोण न्यूनतम होता है। हो गया, बोलिए। तो इसे, इस चित्र को बना लीजिए। जल्दी से बनाइए, फिर से बनाते हैं हम। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक एक चीज करके और उसे बनाइए। ऐसे पहले पृथ्वी बना दीजिए, एकदम वृत्ताकार तो होता नहीं है। और यह जो है ये अक्ष है, जहाँ पर ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे घूम रही है, इस तरह घूमती है ऐसे। यहाँ पर लिखिए भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव। यहाँ पर लिखिए भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, लिख लिए। और इस लाइन को लिखिए भौगोलिक यम उत्तर, भौगोलिक यम उत्तर। इतना लिख लिया। बोलिए अब ये बन गया। जहां ये घूमने के लिए स्वतंत्र है, परंतु चुंबक को रखने पर चुंबकीय उत्तरी ध्रुव, थोड़ा विक्षेपित कर दीजिए ऐसे, ऐसे करिए। और यहाँ पर, और यहाँ पर, यहाँ पर लिखिए चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय उत्तरी ध्रुव। और यहाँ पर लिखिए चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव। चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव हो गया। और इसे लिखिए चुंबकीय यम, जो ये रेखा है ये, इसको चुंबकीय यम उत्तर। इधर लिख दीजिए ये चुंबकीय यम उत्तर। चुंबकीय यम उत्तर हो गया। इतना बन गया। अब इनके बीच जो ये एंगल है, ये एंगल,
इसी को डी से डिनोट करते हैं और इसे लिख लीजिए दिक्पात कोण, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण। दिक्पात कोण ध्रुवों पर लिखिए, यहाँ पर दिक्पात कोण अधिकतम लिख दीजिए, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण अधिकतम। यहाँ पर भी लिख दीजिए दिक्पात कोण अधिकतम, दिक्पात कोण, दिक्पात कोण अधिकतम मैक्सिमम, अधिकतम। और यहाँ पर लिखिए दिक्पात कोण न्यूनतम, दिक्पात कोण न्यूनतम। दिक्पात कोण न्यूनतम आगे इस पर हम अभी एक वीडियो दिखाएंगे आप लोगों को, जिसमें बहुत क्लियर हो जाएगा आप सबको। अंत तक क्लास करिए, पूरा क्लियर कर देंगे आज। हो गया, इतना समझ में आया सभी लोगों को? बोलिए आ गया समझ में? अब आप जरा नमन कोण के विषय में समझिए। जैसे मान लेते हैं जो नीडिल, कंपास नीडिल होता है, तो कंपास नीडिल क्या होगा कि वो ऐसे घूमेगा, ऐसे, जैसे मान लीजिए रख दिया गया तो वो ऐसे घूमेगा, इस तरह घूमेगा कंपास नीडिल, इस तरह ऐसे घूमेगा। क्लियर? ऐसे ही घूमने के लिए फ्री होता है ऐसे, लेकिन ऊपर नीचे घूमने के लिए फ्री नहीं होता। पर ऐसा कंपास नीडिल हमारे पास हो जो ऊपर नीचे भी घूम ले, जो ऊपर नीचे भी, क्षैतिज तो घूमे ही, क्षैतिज घूमता हो तो क्षैतिज के साथ साथ वो ऊपर नीचे घूमे, यानी ऐसा नीडिल हो जो ऊपर नीचे घूमे ऐसे, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी हम रखते हैं और वो क्षैतिज में है, ऐसे क्षैतिज रुका है, तब तो क्षैतिज घटक है, चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहलाएगा। क्लियर? लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे ऐसे झुक जाए तो क्षैतिज के साथ जितना कोण नीचे की तरफ झुके या ऊपर की तरफ झुके, तो क्षैतिज के साथ जितना कोण नीचे या ऊपर झुकेगा उसी कोण को कहा जाता है नमन कोण। उस कोण को हम क्या कहते हैं? नमन कोण। क्लियर है? जो क्षैतिज के साथ ऊपर या नीचे की तरफ झुकता है उसे कहा जाता है नमन कोण। क्लियर? अर्थात जो भौगोलिक क्षैतिज के साथ, ठीक है, क्षैतिज के साथ ऊर्ध्व में या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ जो कोण बनाता है उसे हम कहते हैं नमन कोण। क्लियर है? अब जरा नमन कोण हम लोग समझेंगे कि नमन कोण क्या होता है। तो इसे हटा दे थोड़ा, आइए अब यहाँ पर, अब तो समझ में आ गया होगा कि क्षैतिज के साथ जितना झुकाव होता है उसे ही हम कहेंगे नमन कोण। जैसे अगर सपोज दैट अभी अभी हमने देखा था ये पृथ्वी है, सपोज दैट ये पृथ्वी है, और ये तो आप जान रहे हैं कि ये भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है और ये चुंबकीय यामोत्तर है, तो चुंबकीय ये यामोत्तर है। यहाँ पर अगर हम समझें, ठीक है, तो यदि यहाँ पर अगर कोई भी चीज़ है तो इसके इधर की तरफ जो घटक, ये तो क्षैतिज ये होगा, क्षैतिज तो ये हो गया, और ये चुंबकीय क्षेत्र ये इधर की तरफ है, तो इधर जो झुका हुआ है कोण, ठीक है, जो नीचे की तरफ ये क्षैतिज के साथ जो ये क्षैतिज है, इसको क्षैतिज घटक एच ई कहेंगे, इसी को, यही कोण जो है आई है, या इसी को हम आई से डिनोट करते हैं, या इसी कोण को कहा जाता है क्या, नमन कोण। इसे ही हम क्या कहते हैं, नमन कोण।
क्लियर है तो लिख लीजिए नमन कोण, नमन कोण लिखिए। चुंबकीय सुई द्वारा, चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज के साथ, चुंबकीय सुई द्वारा क्षैतिज के साथ, क्षैतिज के साथ ऊपर अथवा नीचे, ऊपर या नीचे की तरफ जो झुकाव होता है, ऊपर या नीचे की तरफ जितना झुकाव होता है उस झुकाव को ही नमन कोण कहते हैं, उस झुकाव को ही नमन कोण कहते हैं। नमन कोण कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। जैसे भूतल है, पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर हम लोग हैं, तो जैसे ये पृथ्वी पर, यहाँ पर हम हैं, सपोज दैट अगर हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर हम हैं, तो यहाँ पर जब स्पर्शी रेखा खींचेंगे तो ये क्षैतिज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? क्षैतिज कहलाएगा। उसी तरह जब यहाँ पर है तो क्षैतिज ये कहलाएगा, या तो इधर होगा, और क्षैतिज के साथ जो इधर की तरफ कोण बनेगा तो इसको हम नीचे कहेंगे, या ऊपर की तरफ बनेगा तो ऊपर कहेंगे। तो ये क्षैतिज के साथ जो कोण बनेगा उसी को कहा जाएगा नमन कोण। तो चित्र बना लीजिए, इसे इस चित्र को बना लीजिए और दर्शा दीजिए कि यही नमन कोण है। ये जो कोण है आई, आई से डिनोट किया जाता है, यही नमन कोण है। आई ही क्या है? नमन कोण है। इधर दर्शाने की जरूरत नहीं है। ये एन एम, एस एम, एन जी, ये एस जी, यस, हो गया। आया समझ में सभी लोगों को? आज जो भी हमने चीजें बताया आप लोगों को अभी तक, कि नमन कोण क्या है, दिक्पात कोण क्या है, नमन कोण समझ में आया सभी लोगों को? अभी नहीं समझ में आया तो आइए अब हम लोग जो है वीडियो के माध्यम से समझते हैं कि नमन कोण, दिक्पात कोण, नति कोण, दिक्पात कोण, चुंबकीय यामोत्तर या भौगोलिक यामोत्तर जो भी है वो क्या है। तो आइए अब हम लोग वीडियो के माध्यम से देखेंगे, ठीक है। आइए अब हम आप लोगों को डायग्राम के अनुसार जो है, काफ़ी ढूंढने के बाद, सर्च करने के बाद हमें एक जो है वीडियो प्राप्त हुआ है, उस पर हम आप लोगों को समझाते हैं कि भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है और भूचुंबकत्व होता क्या है, भूचुंबकत्व किस तरह है, और भौगोलिक उत्तरी ध्रुव क्या है, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव क्या है, और चुंबकीय यामोत्तर क्या है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव क्या है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव क्या है, उसके विषय में हम अब आप लोगों को समझाते हैं। चलिए आइए देखिए, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यदि सपोज दैट जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि जो भौगोलिक चुंबक होता है, भूचुंबक होता है, वो भूचुंबक क्या होता है कि भूचुंबक, जैसे हम चुंबक रख रहे हैं चुंबकीय सुई, तो वो नॉर्थ और साउथ की तरफ रुक जाता है, तो हम चुंबक के लिए जो नॉर्थ में रुकता है उसे नॉर्थ पोल कहते हैं, जो साउथ में रुकता है वो साउथ पोल कहलाता है। परंतु आप जानते हैं, आप ये बात जानते हैं कि जो है साउथ पोल साउथ को प्रतिकर्षित करता है और साउथ पोल नॉर्थ को आकर्षित करें, यानी विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान प्रकार के ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब ये है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव दक्षिण की ओर है और दक्षिणी ध्रुव उत्तर की ओर है, तभी ऐसा है कि चुंबक का नॉर्थ पोल
नॉर्थ की तरफ रुक रहा है, इसका मतलब ये है कि भू चुंबक का नॉर्थ पोल नॉर्थ की तरफ नहीं है बल्कि साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है। तभी चुंबक का नॉर्थ पोल और पृथ्वी का साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं तो रुक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि भू चुंबक का नॉर्थ पोल जो होता है वो साउथ में होता है और साउथ पोल जो होता है वो नॉर्थ में होता है। तो हमें पता है कि जो भी चुंबक होता है तो चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलकर साउथ में जाके प्रवेश करती हैं, नॉर्थ से निकलकर साउथ में प्रवेश करती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें जो है इधर से ये निकलकर और इस तरह जाकर और इसमें प्रवेश कर रही हैं, यहाँ से निकल रही हैं और ऐसे जाकर प्रवेश कर रही हैं। तो ये जो है भू चुंबक के लिए है, ये भू चुंबक के लिए है, ऐसा क्लियर है कि वो नॉर्थ में यानी साउथ में प्रवेश करें, यानी भू चुंबक का साउथ पोल जो है हमने जो देखा उसमें जो है भू चुंबक का साउथ पोल ऊपर है और नॉर्थ पोल नीचे है। अब हम लोग देखेंगे कि दिक्पात कोण, डिक्लिनेशन और नमन कोण, इंक्लिनेशन और जो क्षैतिज कंपोनेंट होता है चुंबक का घटक, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखें, तो जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी घूमता है तो पूरब और पश्चिम की तरफ घूमता है, ऊपर और नीचे। तो ऊपर जो है देखिए पूरब से पश्चिम, और ये ऊपर जो है यहाँ पर नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है। तो इसे कहेंगे कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और इसको कहेंगे भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव। और इसको जो मिला देते हैं, जो आप देख रहे हैं कि ये मिल रहा है, यह जो है क्या है, इसको हम भौगोलिक यामोत्तर यानी इसी को अक्ष कहेंगे, इसी को हम क्या कहेंगे, अक्ष। जो ये मिल रहा है, ये पीला पीला जो दिख रहा है आपको, ये जो है भौगोलिक अक्ष कहलाएगा, इसी को हम भौगोलिक यामोत्तर कह लेते हैं। इसका मतलब है कि इसको हम यहाँ से दो पार्टों में कर दें, एक इधर पार्ट कर दें और एक इधर पार्ट कर दें, दोनों को ही अलग अलग हम निकाल दें, उसको उधर निकाल दें, यहाँ से इसको इधर निकाल दें, तो अगर कट करेगा तो एक अक्ष जो दिखाई देगा, जो इसका तल दिखाई देगा वो तो वृत्ताकार होगा, वो उसका तल कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। क्लियर है, आप देख रहे हैं कि जो ये दिख रहा है कहीं से भी अगर लेंगे तो ये जो रेड वाली लाइन है कहीं से भी अगर लेंगे तो ये जो अक्ष होगा ये अक्ष को ही दर्शाएगा, और वो किसको दर्शाएगा, तो भौगोलिक यामोत्तर को दर्शाएगा। याद रखिएगा कि ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, लेकिन पृथ्वी का जो चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव यहाँ है और पृथ्वी का जो चुंबक है उसका उत्तरी ध्रुव यहाँ पर है। क्लियर है, उल्टा होता है। अब देखिए, ये तो पृथ्वी के बनावट और पृथ्वी के घूमने के ऊपर रखा गया है, इसको निर्धारित किया गया है, तब हम इसको भौगोलिक कह रहे हैं कि भौगोलिक उत्तरी ध्रुव और भौगोलिक दक्षिण ध्रुव। लेकिन जब हम चुंबक को रखते हैं यहाँ पर, चुंबक को जब हम इस पृथ्वी पर कहीं पर भी रखते हैं, तो जो कंपास निडिल होता है वह रुकता है जब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो ये एकदम उत्तर की तरफ नहीं होता है बल्कि इससे थोड़ा सा हट कर होता है, यानी यहाँ ना होकर यहाँ पे होगा और ये यहाँ ना होकर यहाँ पे होगा, इसका मतलब थोड़ा सा इससे झुका हुआ होता है। तो जो झुका हुआ होता है इसी को कहा जाता है क्या, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव और चुंबकीय यामोत्तर। जैसे यहाँ पर इसको हमने कहा कि एक्सिस है, अब देखिए यहाँ पर जब इसका चुंबकीय यामोत्तर हम लेंगे तो चुंबकीय यामोत्तर क्या होगा कि इससे झुका हुआ। अब इसको देखिए, यहाँ से जब हम इसको अलग करेंगे तो भौगोलिक यामोत्तर अक्ष दिखाई, देखिए ये भौगोलिक जो कट गया वो तल हो गया, यामोत्तर तल और ये अक्ष है, यही भौगोलिक यामोत्तर अक्ष कहलाएगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं यामोत्तर अक्ष, भौगोलिक यामोत्तर अक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर ये है यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि भौगोलिक यामोत्तर है, अब चुंबकीय देखिए, ये जो है चुंबक है, ये मैग्नेटिक के लिए है, तो अब जो मैग्नेटिक के लिए तिरछा हो गया, यहाँ पर नॉर्थ पोल है तो चुंबकीय उत्तरी ध्रुव और ये चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव, ये चुंबकीय यामोत्तर कहलाएगा। अब यहाँ पर चुंबकीय यामोत्तर और हम देखेंगे कि भौगोलिक यामोत्तर ये है, चुंबकीय यामोत्तर ये है, तो इन दोनों के बीच जो झुका हुआ है, देखिए ये झुका है, इसी को हम कहते हैं दिक्पात कोण। जितना कोण होता है झुका हुआ उसको हम कहते हैं दिक्पात कोण, डिक्लिनेशन एंगल। ठीक है, जिसे डी से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। अब इसका मान जो है यहाँ पर मिनिमम मैक्सिमम होता है डिक्लिनेशन एंगल का, और यहाँ पर जो इस पर होता है, इस पर क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर,
अब हम यहाँ पर देखेंगे नमन कोण के लिए। तो चलिए नमन कोण के लिए देखेंगे कि यहाँ पर ये कंपास नीडिल है, ये कंपास नीडिल है, ठीक है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये घूमने के लिए इस तरह घूमने के लिए स्वतंत्र है, ऐसे घूमता है, ठीक है। तो जब यह इस तरह घूमेगा इसका मतलब आप देख रहे हैं कि नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, क्लियर है। तो यही जो है इस पृथ्वी के लिए दिखाया गया था कि थोड़ा झुका हुआ होता है जब इसको रखा जाता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि इस तरह घूम रहा है, लेकिन जब ऐसा होता है कि जैसे ये है और ये ऐसे इस तरह ऊपर नीचे जब घूमे, जैसे देख रहे हैं कि जब ऊपर नीचे वो घूमने के लिए स्वतंत्र होगा, तो उस कंडीशन में जब हम पृथ्वी पर कहीं पर भी रखेंगे, अगर क्षैतिज है तो हम क्षैतिज एक्सिस कहेंगे, तो क्षैतिज चुंबकीय हो जाएगा, वही हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, इसी को हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल एक्सिस। लेकिन जब ये घूम जाएगा, नीचे घूमेगा या ऊपर घूमेगा, तो जितना ये नीचे की तरफ घूम रहा है इसी कोण को कहा जाता है नमन कोण। इसी कोण को हम क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। अब देखिए क्षैतिज है तो ये ऊपर भी घूम सकता है, ऊपर घूमा इधर का नीचे गया, तो ये नमन कोण कहलाएगा। इसे ही हम आई से डिनोट करते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नमन कोण क्या होता है और दिक्पात कोण क्या होता है, चुम्बकीय यामोत्तर क्या होता है और भौगोलिक यामोत्तर क्या होता है। अभी हमने बताया कि जो ये अंदर की तरफ झुका, देखिए ये है नीचे की तरफ और ये है क्षैतिज, ये आप देख रहे हैं कि ये क्षैतिज है, जितना ये झुका हुआ है इसी को हम कहेंगे नमन कोण। इसे ही हम क्या कहते हैं, नमन कोण। इसे ही हम किसे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करेंगे, आई से डिनोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई नमन कोण नहीं होगा, ठीक है, इस पर नमन कोण का मान जीरो होता है। जैसे अब देखिए जैसे जैसे हम लेकर जाएंगे अलग अलग जगहों पर, तो नमन कोण उसका ऐसे साउथ पोल पर एकदम इस तरह होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए ये क्षैतिज में है, इस तरह आप क्षैतिज में देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि ये जो है यहाँ पर नॉर्थ पोल पर सीधा है, नॉर्थ पोल पर क्या है, सीधा है। तो यहाँ नमन कोण नॉर्थ और देखिए ईस्ट में, जब यहाँ पर नॉर्थ और ईस्ट में देखेंगे तो यहाँ पर देखिए थोड़ा झुका हुआ है, यहाँ साउथ और ईस्ट में देखेंगे, वेस्ट में देखेंगे तब यहाँ पर ये झुका हुआ है, और ये एकदम इक्वेटर पर जो है क्षैतिज है। तो जहाँ इक्वेटर होगा वहां पर क्या होगा, क्षैतिज होगा, साउथ पोल पे और नॉर्थ पोल पे जो होगा वो अर्थात विषुवत जो रेखाएं होती हैं वहां पर आप देखेंगे तो ये क्या होगा क्षैतिज, यहाँ पर इस तरह नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो इस तरह है, और विषुवत पर क्या होगा कि ये इस तरह होगा, ठीक है, क्षैतिज की तरह होता है, क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपने देखा कि जो ये ऊपर नीचे स्थान पर अलग अलग स्थान पर अलग अलग नमन कोण दिखा रहा है, अलग अलग स्थान पे अलग अलग नमन कोण होता है, क्लियर है। तो हमें उम्मीद है कि अब आप सभी लोगों को नमन कोण और दिक्पात कोण अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। क्यों, ये नमन कोण आप देखिए ना कि यहाँ पे क्षैतिज है, ये इस तरह ये क्षैतिज है, और जैसे ही अब देखिए जैसे ही अब ये झुकने लगा, ये क्या हो रहा है, झुक रहा है, तो ये झुक रहा है तो नमन कोण इसका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब ये कहीं पर भी देखिए ये नमन कोण है, इसे हम क्या कहेंगे, नमन कोण कहेंगे, तो वो नमन कोण है। अब इसी तरह हम जो है क्षैतिज में देखा कि क्षैतिज में क्या होता है, तो यहाँ पर अगर आप क्षैतिज के लिए देखेंगे कि क्षैतिज घटक क्या होता है चुंबकीय के लिए, जिसको हम लोग एच ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एच ई, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी क्षैतिज घटक, तो क्षैतिज घटक के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो है क्षैतिज घटक होता है, ये क्या होता है क्षैतिज घटक, और ये क्या होता है जो नीचे यही चुंबकीय है, जो ये चुंबकीय अर्थ का चुंबकीय क्षेत्र है, ये इधर की तरफ काम कर रहा है और ये क्षैतिज है। तो जितना इसके साथ ये घूम रहा है इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को हम कहते हैं नमन कोण, क्लियर है। तो उम्मीद है आप लोगों को नमन कोण और जो है दिक्पात कोण अच्छी तरह से अब समझ में आ गया होगा कि नमन कोण क्या होता है और दिक्पात कोण क्या होता है, क्लियर है। आज अभी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा
कि नमन कोण, नति कोण, नमन कोण, दिक्पात कोण और क्षैतिज घटक या फिर ऊर्ध्वाधर घटक, या फिर आपने देखा कि उत्तरी भौगोलिक उत्तरी ध्रुव, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव, भौगोलिक यामोत्तर, और आपने देखा कि चुम्बकीय यामोत्तर, चुम्बकीय उत्तरी ध्रुव, चुम्बकीय दक्षिणी ध्रुव कैसे नॉर्थ साउथ से निकलकर नॉर्थ में प्रवेश कर रही थी चुम्बकीय बल रेखाएं, ये सभी को वीडियो के माध्यम से आपने देखा। तो उम्मीद है कि आप सभी को समझ में अच्छी तरह से आज का क्लास आ गया होगा। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा या व्हाट्सएप पर आप जरूर लिखकर भेजिए कि आपको आज का क्लास कैसा लगा, समझ में आया सब कुछ या नहीं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, इसलिए इस पर हमने काफ़ी अध्ययन किया और उसके बाद इसको हमने खोज कर निकाला इस वीडियो को कि कहीं से ऐसा चीज़ मिल जाए जिससे हम आपको अच्छी तरह से समझा लें। उम्मीद है कि हम अच्छी तरह से अपने हिसाब से तो अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया है और आपको समझ में सब कुछ आ भी गया होगा। तो व्हाट्सएप पर जरूर लिखकर भेजिएगा कि सब कुछ समझ में आया या नहीं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो फिर से हम दोबारा प्रयास करेंगे कि आपको समझा दें, ठीक है। तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।